Hello everyone, today we will be discussing about application of hydrogen bonding. You know, application. In the earlier video we discussed about hydrogen bonding, and as I had said that application and questions part I will be taking in this video. Are roll me ha. Are aaj guru kya karne wale hain? Application of hydrogen bonding. To kaise ho sab log? Sab badhiya sabke jeevan mein? कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो कुछ नहीं देख। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे आज, ठीक। और क्या देखेंगे? बहुत सारे इसके क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे। देख, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए थोड़ा जोर दे रहे हैं, तो समझ जाओ कि जरूरी चीज है। तो अब देखिए, तो देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है भाई साहब? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या? अरे कोई लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है, समझ रहा है? विस्कोसिटी मतलब क्या? कोई लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है किसी भी मटेरियल में। तो विस्कोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? हाइड्रोजन बॉन्ड के। अब देखो, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नंबर है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा, उतना ज्यादा लिक्विड कैसे होगा, कैसा होगा? विस्कस। सर मतलब समझे नहीं सर अभी हम, तो अभी देखो एक एग्जांपल देते तो और क्लियर होगा। तो देखो भैया, ये मैंने क्या लिखा है, मिथाइल, मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या भैया, मिथाइल एल्कोहल। हाँ, मिथाइल एल्कोहल, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। जब CH2OH और CH2OH मतलब ऊपर और नीचे CH2OH लगे रहते हैं ना साथ में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। अच्छा, और जब तीन हो जाते हैं कार्बन तो हम इसको क्या कह देते हैं, ग्लिसरॉल। अच्छा, तो सर ये नाम याद करने थे? अरे नाम याद नहीं करने थे, ये मतलब इसमें ये बताना हमें कि कौन ज़्यादा विस्कस होगा, मतलब कौन सा जो लिक्विड है वो विस्कस ज़्यादा होगा। कैसे बताएंगे सर? कुछ नहीं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, तुम इसमें देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सर आपने वो बताया था नंबर वाला एक फॉर्मूला था, हाँ, उसमें हम क्या देखते थे कि हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन कितने हैं। अरे यार ऐसे मत करो यार, पुराने वीडियो में बताया बहुत बढ़िया तरीके से, देख लेना। हाँ ठीक, अब अगर थोड़ा और मतलब एकदम ही सिंपल कर दूँ, अगर विस्कोसिटी का क्वेश्चन आया, वो ऐसे तीन मतलब वो फॉर्मूले दे देगा या फिर अपने को ग्लाइकोल ग्लिसरॉल दे देगा और अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तुम बस देखना, क्या देखना कि कितने OH ग्रुप हैं। अच्छा, OH मतलब, OH मतलब क्या, एल्कोहल। ओ अरे यार ऐसे कर रहे दारू भैया, हाँ OH ग्रुप। अब जिसके पास जितने ज़्यादा OH ग्रुप उतनी उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, चमका कि नहीं चमका? देख इसके पास एक OH है, हाँ, तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी सर, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके पास कितने हैं, दो OH हैं, तो इसकी ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, मिथाइल एल्कोहल से। अच्छा, और ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के पास तो सर तीन है, एक दो तीन ही, तो पूरी फैमिली लेके बैठा, तो इसकी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा विस्कस लिक्विड कौन हुआ हमारा, ग्लिसरॉल। तो क्वेश्चन पूछ दिया नीट में, देखो ये जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा ना, पांच एप्लीकेशन इसकी, वो नीट में चलते फिरते क्वेश्चन पूछती है। तो विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड आप कैसे देख लो, OH ग्रुप से। अच्छा समझ गए हो? हाँ समझ गए सर, कि जिसके पास जितने OH ग्रुप उतनी ज़्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे अब ऐसे क्यों सोच रहे हो कि भैया देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। हाँ सर बात तो तुम सही कर रहे हो, अब हमें क्या बोल दिया मैंने, उसको और थोड़ा सिंपल कर दिया कि OH ग्रुप देख लो, तो हमें विस्कस पता चल जाएगा, विस्कस नेचर। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, अब दूसरे पॉइंट पे आओ। अरे अभी कैसे दूसरे पॉइंट पे? अब मान लो किसी बच्चे में दिमाग चला कि सर इसका आप और बताइए, कि भाई साहब आपने बोला कि हम लोग यहाँ पे OH देख लेंगे, उससे हम पता कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, उस हिसाब से हम विस्कोसिटी बता देंगे, लेकिन सर इसमें क्या करेंगे? अरे बबुआ इसमें स्ट्रक्चर बनाओ, देखो पूरा खेल स्ट्रक्चर का है, देख H3PO4 है, अब तुम्हें पता है फॉस्फोरस कितने बनाता है, सर पाँच बनाता है सर, पाँच, हाँ तो पाँच बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, चार हैं। हाँ अब देख, तीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाएंगे, मतलब तीन तो लगा दिया अपन ने क्या, OH। हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से OH लगा दिए, और एक जो ऑक्सीजन बचेगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, पाँच। अरे नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय वो नहीं है नाइट्रोजन वाली सीरीज, हाँ सर याद तो आ रही, जिसको हम निकोजन्स बोलते हैं, हाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, हाँ तो ये जो फॉस्फोरस है वो कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी थी, पाँच, हाँ मतलब पाँच बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक, अब सुन H2SO4 की सर अगर बात करें, सल्फर है सर, सल्फर तो छः बनाता है, हाँ अब यहाँ देख हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो मतलब यहाँ दो OH होंगे, समझ रहा है, हाँ मतलब यहाँ दो OH होंगे, और जो बचे ऑक्सीजन है उनको डबल बॉन्ड से चिपका दो ताकि सल्फर की वैलेंसी पूरी हो जाए। देखो दो दो चार और दो छः, छः वैलेंसी पूरी हो गई सल्फर की। अरे ऑक्सीजन सल्फर ये होता है ना उससे टीपो, हाँ हाँ सर याद आ रहा है, तो ऑक्सीजन कितने बनाता है, छः, उतनी सल्फर बनाएगा वैलेंसी। ठीक, अब आओ HNO3 सर ये नाइट्रिक एसिड वाला है, हाँ समझ गए तुम लोग, अब सुन नाइट्रोजन भैया बनाता है पाँच, हाँ सर लेकिन यहाँ तो उतने एटम ही नहीं है, फिर क्या करें, कुछ नहीं करना, अरे तुम लोग परेशान बहुत होते हो। देखो मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन है, हाँ सर एक हाइड्रोजन से एक अपन ने क्या बना दिया, एल्कोहल, मतलब एक OH बना दिया, और जो बचा ऑक्सीजन उसको डबल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया, ठीक है जोड़ दिया ना भैया। हाँ अब ये जो नाइट्रोजन होता है ना बिड़ू, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इसके पास जो वो होंगे
क्या होंगे, लोन पे इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा। अच्छा बिडू समझ रहा। हाँ तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें अपने को क्या देखना है, OH ग्रुप। हाँ पूरा खेल OH ग्रुप का है। अब यहाँ OH कितने हैं, 1 2 3, या तो सर 3 है। हाँ तो इसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, विस्कोसिटी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, H3PO4। अच्छा इसमें देखो, इसमें 2 OH हैं, तो ये सबसे ज्यादा, मतलब थोड़ा मतलब मीडियम में आ गया। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाएगा, मतलब कौन विस्कस सबसे ज्यादा कौन होगा, H3PO4, फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड। समझ रहा है कि नहीं, समझ रही है। हाँ ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। ठीक, तो भाई दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब सर समझे नहीं सर हम, अरे जो नहीं समझे वो ऐसे कर लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होएगा। अच्छा अभी अट्रैक्शन कुछ नहीं देख, जैसे हमारे पास HCl लिखा है। हाउ सर, लिखा है सर HCl। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl की किस क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो अट्रैक्शन है ना एक तरीके का, समझ रहा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, लेना चाहेगी, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं समझे, अरे कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बिडू, टेंशन नहीं लेने का। आपने क्या रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली पोजिशन होती है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब किताबों में लिखा रहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमने भी बोल दिया डिस्ट्रैक्शन लगा दें थोड़ा। समझ रहा, तो ऑप्शन कुछ नहीं। अब देख क्वेश्चन करते हैं, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। और सुन नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा तो भैया अब आओ जरा क्वेश्चन भी देख लिए जाए। ठीक, उससे पहले आपको एक चीज़ तो पता ही होगी क्या, कि जैसे ही अब अपन जैसे पीरियोडिक टेबल होती है ना, हाँ उसमें जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, कैसे ऊपर से नीचे, अरे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे नहीं जाते, नाना पाटेकर ऐश्वर्य राय, हाँ हाँ सर समझ रहे हैं हम आपको, अरे इधर आओ वापस। तो जब डाउन द ग्रुप अपन जाते हैं तो मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, इतना तो पता है। हाँ ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली पोजिशन होती है किसके, मॉलिकुलर वेट के। ये भी एक है, मिथ है एक तरीके का। चलो अब आओ, अब कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन किससे अटैच हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो वहां क्या होती थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां फ्लोरीन से अटैच्ड है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, HF का। ठीक है, अब सर HI, HBr और HCl भी तो बची हैं, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। अच्छा, या तो आप अट्रैक्शन से देख लो, लेकिन अट्रैक्शन में क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं अपन लोग, बच्चे हैं यार कंफ्यूज जाते हैं, तो आप क्या देख सकते, देखना मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का होता है, तो ये भैया HI, फिर HBr, फिर HCl, सिंपल एज सिंपल एज मी। ठीक, तो अब अपने क्या समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट आप देख लो। अब जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रही वहां मॉलिक्यूलर वेट देखना पड़ेगा। अब जैसे H2O है, हाँ सर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, हाँ सर मिलेगी, सही कह रहे हो आप। तो H2O में क्या हो गया, ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हुआ, H2O का। फिर हुआ ये H2T, टेरिलियम, फिर सेरेलियम, फिर सल्फर, अच्छा वही उससे टीपो वाली, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक, अभी अपना क्या था, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद एक मस्त चीज आती है, कैसी, मुझे आप एक क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पावरफुल होती है या इंट्रामोलिकुलर, सोचो जब तक, फिर मैं क्वेश्चन लिख के आता हूँ। तो भैया इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्यों, ताकि आपके नीट में क्वेश्चन हो जाए, समझ रहा है, क्वेश्चन का खेल है पूरा, कि आपने क्या याद रखना है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसी इंटरमोलिकुलर, अरे सर जिसमें आजू और बाजू में क्या होते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते थे। हाँ अरे तुम लोग गलत पढ़ते हो हमेशा, जिसमें आजू और काजू में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते थे, हाँ जिसमें आजू और काजू में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते थे, उनमें हमें क्या मिलती थी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, किनसे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अरे लिखा हुआ समझ रहे हो ना, हाँ बस मैं बोल नहीं पा रहा, देख कुछ नहीं, जो ये इसमें क्या दिखेगी, इसमें आजू और बाजू में क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम है, तो इसमें क्या मिलेगी, इंट्रा, हाँ सर इंट्रा मिलेगी, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी किससे, इंटर वाले से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले से, बस इतना बताना चाह रहे हैं। ठीक, तो भैया एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द, मतलब इनमें से किसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होगी, मतलब किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मिल देखने को मिलेगी, एक उसने दिया H2O, एक उसने दिया HF। अब देखो भैया कुछ नहीं करना, मैंने वहां बताया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने का तरीका, कि कौन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने फॉर्मूला क्या था वहां पे, अरे यार ऐसे तुम लोग भूल जाते हो यार, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से, प्लस नंबर ऑफ दी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम, ये मैंने बताया भाई पुराने वीडियो में। और ये फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल नहीं था, H2O पे, हाँ सर याद आ गया याद आ गया। H2O कितने बनाता है, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, याद है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल में, क्यों, क्योंकि जो उसकी ऑक्सीजन होती थी वो 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती थी, जबकि HF में आप फॉर्मूला लगाओ, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, मतलब अटैच्ड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक है सर, और कितने फ्लोरीन है, एक है, तो ये इसके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब भैया देखो किसी को अगर ये समझ में नहीं आया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, पुराने वीडियो में बता रखा है पूरा डिटेल में, उसमें और भी क्वेश्चन भी कराए तो वहाँ जा सकता है, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, है ना। फिर अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, तीसरी चीज़ हमारी क्या है, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है सर, अरे अब देखो 12th वाले बच्चे तो जानते होंगे वेपर प्रेशर,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अब जो 11th वाले हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो देखो, वेपर प्रेशर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर जो 11th वाले उनको नहीं आएगा ना समझ में, तो देखो कुछ नहीं, यह मैंने कंटेनर लिया है, ठीक है, कंटेनर में मैंने कुछ भी लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब देखो इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, गर्मी बढ़ा रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ा रहा हूँ, तो जो वेपर्स इसकी बन रही होंगी, हाँ, और जो वेपर अब ये बन के ऊपर ही जाएंगे ना वेपर, और इसको कंटेनर को मैंने कवर कर दिया है, तो ये जो वेपर के थ्रू जो प्रेशर लगेगा हमारे कंटेनर की वॉल पे, उसको गुरु अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। सिंपल शुद्ध भाषा में बता दिया क्या, कि जो वेपर जो प्रेशर लगाती है किस पे, वॉल ऑफ कंटेनर पे, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर को हम और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, वोलेटाइल नेचर, प्रीवियस ईयर लगाना दिख जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो बस इतना याद रखना, जो वेपर प्रेशर या फिर वोलेटाइल नेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट क्या, अरे सर अभी बताया था ना बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, द नंबर ऑफ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग देख सकते थे, कुछ नहीं देख। अब चलो फिर थोड़ा अपन वापस चलते हैं, क्या चलते हैं कि मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एटम का ज़्यादा होगा या फिर इंट्रा वाले का। सर आपने ऊपर बताया तो था यहाँ पे कि इंटर का ज़्यादा होता है, तो उसने एक बार क्वेश्चन दिया, बहुत मज़ेदार उसने क्वेश्चन दिया, कि उसने बस घुमा दिया, तो अपन लोग क्या हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए, क्या हो गए, कन्फ्यूज़। उसने मुझे ये दे दिया, उसने मुझे दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हाउ सर, और उसने क्या दे दिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, अब देखो बच्चा जल्दी जल्दी में क्या लगा देगा कि भैया इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी वाली, इंट्रा, हाँ, और इसमें क्या हो रही है, इंटर हो रही है, हाँ, तो वो जल्दी जल्दी में क्या कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा देगा। हो जाता है रे, मानना तो कर, हो जाता, लेकिन उसने पूछा क्या, वॉलेटाइल नेचर, हाँ, तो वॉलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल नेचर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। अच्छा बताओ, चलो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सर आपने बताया था इंटर वाले का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वॉलेटाइल नेचर किसका ज़्यादा हो जाएगा, इंट्रा वाले का, क्योंकि जस्ट उल्टा ही तो करना है वॉलेटाइल के नेचर के केस में, ठीक है सर, समझ गए, समझ रहा है ना, हाँ। अब वेपर प्रेशर भी हो गया, अब एक और चीज़ होती है, तो अब देख चौथी चीज़ क्या है ना, सॉल्युबिलिटी। सर सॉल्युबिलिटी क्या, अरे कोई भी मतलब लिक्विड, मतलब कोई भी सॉल्यूट जो है कितना सॉल्यूबल है किसी सॉल्वेंट में। अच्छा सर ऐसे भी नहीं समझे, देखो सॉल्युबिलिटी अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाएं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मोलरिटी, हाँ सर मोलरिटी तो पढ़े हैं उसको, जितनी भी ज़्यादा मैक्सिमम मोलरिटी होगी ना उतनी ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अच्छा चलो खैर कहने वाली बातें हैं, सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। देख आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर या फिर मोर सॉल्युबल इन ईथर। अब देखो हमारे पास दो तरीके के सॉल्वेंट्स होते हैं, कैसे सर, पोलर और नॉन पोलर। हाँ सर देखो देखो लिखते हैं फिर आपसे मिलते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कुछ नहीं होती, कोई भी सॉल्यूट कितना सॉल्युबल है, समझ रहा है, जैसे अब अपने पास क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, अरे वो जो अपन चाइनीज फूड बनाते हैं ना उसमें डालते हैं, सिरका बोलते हैं हिंदी में, हाँ, तो अरे इधर आओ, एसिटिक एसिड, दारू, C2H5OH, एल्कोहल हुआ, ये जो है डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, पानी में, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाँ सर बात तो आपकी सही है, लेकिन जबकि हमारे जो एल्केन हुआ, कीटोन हुआ, ईथर हुआ, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। हाँ सर ये बेंजीन वगैरह में सॉल्युबल, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा सॉल्युबिलिटी पे, कि बताओ भैया ऑर्डर बता दो सॉल्युबिलिटी का, कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। उसने क्वेश्चन दे दिया, लो भैया उसने ये एक दे दिया हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक हमें ये दे दिया उसने पैरा नाइट्रोफिनॉल। उसने बोला भैया सॉल्युबल किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ऑर्थो वाले की या पैरा वाले की। मैंने क्या लिखा है, जिसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देख ये क्या है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंटर में क्या था, एक आजू में और दूसरा काजू में, काजू मतलब डिस्टेंस, दूरी दूरी है, और इंट्रा में क्या है, इंट्रा में कुछ नहीं सर, एक आजू में तो दूसरा बाजू में ही बैठा है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन ने क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी कंपाउंड की। अब आती है दूसरी चीज़, देखो पांचवी चीज़ हमारी क्या है, सरफेस टेंशन। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक बार AIPMT 2012 में इसका क्वेश्चन पूछ लिया था, तो बस ऊपर ऊपर से लेके जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी जो सरफेस टेंशन होती है ना, मतलब कोई भी जो हमारा लिक्विड है सरफेस पे कितना टेंशन लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या फिर तुम तो इतना रखना हाइड्रोजन बॉन्ड, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे इसने क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि H2O है हमारे पास और CH3 है, अब इनमें कौन ज़्यादा मतलब किसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। अब भैया हमें पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा ज़्यादा, H2O। अब कार्बन है, कार्बन मैंने बताया था, कार्बन कौन सा कार्बन बनाता था, sp कार्बन बनाता था। अब यहाँ क्या sp कार्बन है, नहीं है, सिंपल सी बात थी, बस उसने एक कॉन्सेप्ट दे दिया सरफेस टेंशन का। तुम तो बस इतना रखना कि H2O की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है बिड़ू, चार हाइड्रोजन बॉन्ड, बस सिंपल सिंपल सिंपल।
देखो अब थोड़ी सी फिजिकल स्टेट की बात कर ले, मतलब ये दिखता कैसा होगा? अरे कुछ नहीं, देख H2S है हमारे पास। हाँ H2S गैसियस फॉर्म में रहता है, जबकि H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे लिक्विड फॉर्म में? अरे तुम लोग लिक्विड ही तो पीते हो पानी, कोई ऐसा तो नहीं है भैया जो गैस पानी पी रहा हो? बोलो भैया, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो H2O कैसा होता है? लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सिंपल सी चीज़ है भाई। अब इसमें तुम्हें एक और कोई भी एग्जाम्पल दे दे भाई, या फिर क्वेश्चन पूछ दे कि CH3OH है हमारे पास। अच्छा CH3OH, ये सर मिथाइल एल्कोहल होता है। हाँ मिथाइल एल्कोहल है, और ब्यूटेन है। अब बताओ भाई, ब्यूटेन गैस होती है जबकि मिथाइल एल्कोहल लिक्विड होता है। क्यों होता है? पता होना चाहिए ना, मिथेनॉल लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वहाँ पे। हाँ सर समझ गए। तो देखो भैया, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब क्या? आजू और बाजू वाली। हाँ तो उसमें मैंने देखो, इंटर और इंट्रा कब मिलते थे हमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। सर बात तो आप सही कर रहे हो, है ना, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहली बात H2O2। H2O2 क्या होता था सर? अरे हाइड्रोजन परोक्साइड। सर कैसा मतलब? अरे ये ऐसा वो है कंपाउंड, ये खुद को रिड्यूस भी कर सकता है और ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं, रिडॉक्स पढ़ोगे ना तो बताऊंगा, मतलब पढ़ा तो होगा आपने तब, कि ये बहुत बढ़िया कंपाउंड है, रिडक्शन भी कर देता है, ऑक्सीडेशन भी कर देता है। अच्छा हाँ, और इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। अच्छा हाँ, अब चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रा तो मिलती नहीं है। हाँ HCN सर, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं मिलेगी। अरे भैया ऐसे नहीं, मैंने क्या बोला था? अगर SP कार्बन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कैसा होता है? SP होता है। कैसे होता है सर? देखो ये हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो हैं, देखो एक ही है और एक ही है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई? SP। तो कार्बन कैसा हो गया? SP। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा लेकिन इंट्रा वाला नहीं बनाएगा भाई साहब। ये बात आपकी सही है। अब आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सर ये जो गाय खाती है वही, और क्या सर? हम लोग सेल्यूलोज क्यों नहीं खाते? अरे हमारे अंदर जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। खैर तुम लोग मजाक मस्ती बहुत आगे ले जाते हो। सेल्यूलोज कुछ नहीं, सेल्यूलोज का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, कैसे स्ट्रक्चर? देखो COOH, ये कहाँ पे मिलेगा अपने को? बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। अब भैया थोड़ा बहुत तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ फिर अपने पास COOH, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके लिए, क्या बनाऊँ? स्ट्रक्चर COOH, 1 2 3, 1 2 3 4, हाँ चार हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए। ठीक, फिर COOH और CH2OH, ठीक, 1 2 3 4 5 6, गिनना पड़ेगा नहीं तो तुम लोग बोलोगे कमेंट में सर वहाँ पे 6 कार्बन नहीं थे, है ना। ठीक, तो सेल्यूलोज में क्या होता है? इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है, इसका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या हो जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है भाई साहब? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है ना, सेल्यूलोज के एक ही मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिमाग में बैठा लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भैया आइए यहाँ पे वीकेस्ट जो बॉन्ड होता है। अच्छा वीकेस्ट बॉन्ड बताना इन चारों में से अपने को। तो देखो इसमें पता है टुक्का भी ध्यान से लगाना, अगर कोई टुक्का लगाता हो ना। देख आयनिक तो स्ट्रांग होता है क्योंकि ये कैटायन और एनायन से बनेगा। कोवेलेंट में क्या होगा? वो सर वो हो जाता था ना सर, वो कौन सा बॉन्ड बन जाता था सर? वो शेयरिंग हो जाती थी इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी सर थोड़ा स्ट्रांग होता था। और मेटेलिक तो मेटल्स के बीच में बनता था, मेटेलिक। और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सर ऐसा है कि OH के बीच में बन गया था। अच्छा तो वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब सुनो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं फिर आपको छोड़ देते हैं, जब तक आप फिर अपना फिर आप लोग भी क्वेश्चन लगाइएगा, ऐसा नहीं कि इतने पे रुक गए, और भैया और पढ़ना पड़ता है। हाँ तो उसने एक बार क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। देखो सबसे पहला, अगर पुराने वीडियो में सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और वो किसके प्रोपोर्शनल होती थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, 4, 3.5, 3.1, इनकी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर, तो HF की क्या है? स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? मतलब खूब कस के पकड़ के रखा है, समझ रहे हो? खूब कस के HF पकड़ के रखा है, तोड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ठीक, फिर मतलब रिश्ता नहीं टूटने देगा किसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो HF स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, फिर HO मतलब OH, फिर HN, ये सब चीजें हैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो देखो मैंने आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, मैंने जितना भी पढ़ाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई, फिर एप्लीकेशन पढ़ाए, इसके क्वेश्चंस हुए। देखो एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है भाई, इसलिए ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, अगर कोई लिख रहा है बच्चा या फिर नहीं लिख रहा तो देख भी रहा ना, तो इनको याद रखना। सरफेस टेंशन हो गया, सोल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कि भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो ज़्यादा होती है किसकी? इंटर की। किससे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और सेल्यूलोज वाला तो याद ही रखना,
क्योंकि सेलुलोज में क्या मिलती है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अच्छा, ये भी चीजें पता, ये क्लिक हो जानी चाहिए आपको क्वेश्चन देखते ही कि हाँ यार वो सेलुलोज में इंट्रा मिलती थी, वो बताया था एक ने, ऐसा समझ रहा। और बस पढ़ाई करते रहो, अगर कोई दिक्कत है तो बताना, अगर बस पढ़ाई करो यार, दिल से पढ़ो, लेकिन ये नहीं कि एक बर्डन है दिमाग पे कि मुझे पढ़ना है पढ़ना, मैं जब जितना भी पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।